शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तालिबात, अपनी पिछली वीडियो में हमने सबक हज़रत खदीजतुल कुबरा का सफ़र नंबर 7, 8 और 9 की पढ़ाई की थी। आज हम उसके मुख्तसर सवालात करेंगे। हमेशा की तरह आपकी रफ़ कॉपी और आपकी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। पहला सवाल है, ये तमाम सवालात सफ़र नंबर 8, 7, 8, 9 से मुतालिक हैं। आपने इन तमाम के सवालात जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर हिरा में इबादत के लिए जाते तो हज़रत खदीजा आपका किस तरह ख्याल रखती। सवाल नंबर 2, रसूल पाक को कितने बरस की उम्र में नबूवत की बशारत हुई। सवाल नंबर 3, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निगाह के बाद हज़रत खदीजा ने अपनी दौलत का क्या किया। सवाल नंबर 4, हज़रत खदीजा के बुलंद मरतबे और वफ़ादारी के बारे में रसूल पाक ने क्या इरशाद फरमाया। सवाल नंबर 5, इस्लाम की अशात में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पेश आईं तो हज़रत खदीजा का इस ज़िमन में क्या रवैया रहा। अज़ीज़ तालिबात, इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, मुख्तसर सवालात के बाद अल्फाज जुमले हैं, गर्विदा, हुस्न सलूक, शफकत, इस्तकलाल, बशारत और तबलीग। गर्विदा का मतलब है आशिक होना, हुस्न सलूक अच्छा सलूक, शफकत मोहब्बत, इस्तकलाल मजबूती, बशारत खुशखबरी, तबलीग अल्लाह ताला का हुक्म लोगों तक पहुँचाना। अज़ीज़ तलबात, इन अल्फाज के मैं एक एक जुमला बनाऊंगी, आपने अपनी रफ़ कॉपी में इनका मज़ीद एक एक जुमला बनाना है। गर्विदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की वजह से मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो गया। हुस्न सलूक, इस्लाम हमें यतीमों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म देता है। नंबर 3, शफकत, मेरे अब्बू बच्चों के साथ शफकत से पेश आते हैं। नंबर 4, इस्तकलाल, हज़रत खदीजा सब्र इस्तकलाल की मुजस्सिम तस्वीर थी। नंबर 5, बशारत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में नबी होने की बशारत मिली। नंबर 6 है तबलीग, पहली वही के नुज़ूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। अगला सवाल है, इसमें आम के बारे में आप क्या जानते हैं। अज़ीज़ तालिबात, इसमें आम को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए के इसम किसे कहते हैं। किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। आज हम इसमें आम का सवाल कर रहे हैं। इसमें आम जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है कि ये आम चीज़ों का नाम होगा, इसको इसमें नकरा भी कहा जाता है। इसी तरह इसमें ख़ास और इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहा जाता है। इसमें आम यानी अपने नाम से जाहिर है जो किसी ख़ास, वो इसम जो किसी ख़ास फ़र्द, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, मसलन घर, किताब, लड़का, सड़क, मर्द, बाग, शहर वग़ैरह। यानी हमें ये नहीं पता कि किस घर की बात हो रही है, कौन सी किताब है, कौन सा लड़का है, किस सड़क, किस मर्द, किस बाग और किस शहर की बात हो रही है। आइए हम अब अपना अगला सवाल देखते हैं। किताब पर देखिए, ने या को लगाकर जुमला मुकम्मल करें, यानी ये जो आपके पास खाली जगह पुर हैं इसमें अपने हरूफ लगाकर इनको मुकम्मल करना है। हज़रत डैश को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह डैश को अपने कारोबार के लिए एक दयानतदार इंसान की ज़रूरत थी। हज़रत खदीजा को अपने कारोबार के लिए एक दयानतदार इंसान की ज़रूरत थी। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तजारती माल ले जाने की दावत दी। जीम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर की और एक मुआहिदा हो गया। दाल है, हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और नबूवत की गवाही दी। अल्लाह ताला ने इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दी थी। ये सवाल आपने किताब पे करने हैं और इससे पिछला सवाल जो था इसमें आम वाला, उसमें जैसे कि मैंने आपको इसमें आम की तारीफ़ बताई है, आपने इसमें आम के मुताबिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे नाम होते हैं जो कि आम होता है, जिसका हमें पता होता है कि ये आम चीज़ का नाम है, आपने इसी तरह के कुछ अल्फाज जो हैं अपनी किताब से चुनकर अपनी रफ़ कॉपी पर लिखने हैं। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। इन जुमलों में तज़कीर व तानीस के लिहाज से गलती होगी, आपने उन गलतियों को दुरुस्त करना है। जैसे कि मैं और नासिर स्कूल से वापस आया, यहाँ पर जमा इस्तेमाल होगा क्योंकि दो अशख़ास की बात हो रही है, किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही। मैं और नासिर स्कूल से वापस आए। कौसर ने अखबार पढ़ा। अखबार तज़कीर व तानीस के लिहाज से मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे
पढ़ी नहीं पढ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। फिर है अख्तर बहुत घबराया हुआ था। नेक्स्ट देखें, अख्तर बहुत घबराया हुआ था, मैंने उसको तसल्ली दिया। तसल्ली दिया नहीं, तसल्ली दी। हमको आज छुट्टी है, हमें आज छुट्टी है। असलम ने चाय पिया, असलम ने चाय पी। इस सवाल को भी आप किताब के ऊपर ही मुकम्मल करेंगे। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है मुतरादिफ का, कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुतरादिफ क्या होते हैं। मुतरादिफ होते हैं एक ही अल्फाज रखने वाले, एक ही मानी रखने वाले अल्फाज, एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज, जैसे शब, रात, दाना, अकलमंद, सहर, सुबह। इसी तरह और भी बहुत से नए अल्फाज हो सकते हैं, जैसे बाग, चमन, इस तरह के अल्फाज, एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज। अब किताब पर देखिए, सवाल नंबर 9, रंजीदा, शर्मसार, मुनाफा, सादे, कमीन, कबल, कौल, फेल, बशारत। रंजीदा का मतलब है अफसुरदा, इसका मुतरादिफ अफसुरदा होगा। शर्मसार शर्मिंदा, मुनाफा नफा, सादिक सच्चा, अमीन अमानतदार, कबल पहला या इससे पहले, कॉल बात, फेल काम, बिशारत खुशखबरी। अजीज़ तालिबात, आज हमारा ये सबक जो है मुकम्मल हो चुका है। आपको जो मैंने इस सबक के अल्फाज मानी बताए हैं, आपने यकीनन वो अपनी रफ़ कॉपी पर दोबारा लिखे होंगे, और जिन अल्फाज के जुमले बनाने के लिए मैंने आपको दिए हैं वो भी आप बनाएंगे। इसके मुख्तसर सवालात जो मैंने आपके लिए बनाए थे मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के ज़रिए, वो भी आपने मुकम्मल करने हैं, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि जब भी कोई आपको सवाल, मुख्तसर सवाल दिया जाए, आप उस इबारत का जवाब लिख सकें। और कुछ सवालात आपने किताब पर करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम अगला सबक करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।